तो अभी हम लोग बना लेते हैं। हाँ ये तो हो गया, पैंट भी काफी है ना, ब्लैक कलर। देखो जब भी हम लोग इस टाइप की लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा वाटर कलर के थर्ड, सेकंड या तो थर्ड ये लेवल को स्टार्ट करेंगे, इससे पानी का क्वांटिटी कम रहेगा। उसके बाद क्लीन करो नॉर्मल पानी से, इसको सीमेंट वाले हिस्से से इसको स्प्रेड करो। अच्छा पैर तो करना भूल गए, यहाँ पे पैर दिखता था बाहर, और बाहर वाला हिस्सा टाइट और तो हमें बनाना है। अब ब्राउन ब्राउन एरिया है वहां पे थोड़ा सा ऑरेंज टच दिया, उसके ब्रश को क्लीन किया, फिर ऑरेंज के एंड वाले हिस्से से कलर को स्प्रेड कर दिया। इधर का पैर कंप्लीट वाला है। अब शैडो दिखाना है तो अंदर की तरफ थोड़ा मैं बैक कर दूं, डार्क भी ठीक है। उसके बाद आते हैं ये उनकटर का जो कलर, इसको ड्रॉप कर लेते हैं। ब्राउन भी कर देता हूँ, डार्क ब्राउन हैंडल को, ये डार्क ब्राउन होता है टाइप से, इसको डार्क ब्राउन कर दिया। अब बाकी जो हिस्सा है ये ग्रे होता है, नीचे को एरिया को हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक करके मैक्सिमम व्हाइट रखते, बाकी जगह थोड़ा शाइन भी ऐसे दिखा दे। क्यों हो गया, और इसमें भी थोड़ा इफेक्ट दिखाने के लिए ब्लैक ऐड कर दो। इसके बाद आते हैं उड पे, उड पे भी वापस ब्राउन ऐड कर लो। ब्राउन लास्ट टाइम जमीन पे जैसा किया था जल्दी करने के लिए कुछ लाइंस बना दिया था, वैसे कुछ ब्राउन से लाइन कर दिया और येलो कलर को ऐड करो। ब्राउन बाकी एरिया जो खाली है वो जगह पे भी आपको पता है कि हमारा येलो कलर तो होना ही हो, मैक्सिमम बैकग्राउंड में हमने येलो कलर को ऐड किया था, तब उस टाइप से जो जगह छूट छूट गया है उस जगह पे, एंड येलो अपर कलर भी हमने किया था, कलर से हल्का हल्का शेड देके इसको कवर कर ले।
ये जो पोर्शन है उसका अगर शेडो भी देना है तो हल्का सा ऐसे ऐड करके इसमें शेडो ऐड कर बैठा के हल्के से शेडो ऐड कर। समझ आया? हमने तो माउथ बनाना भूल गए यहाँ पे। अच्छा कितना कर दिया? छोड़ दो बस। जस्ट इग्नोर दिस पार्ट। ठीक क्लियर है? अच्छा अच्छा आप यहाँ पे बैठो। ठीक सिंगल कैरेट में लोग एग्जाम में बॉक्स बॉर्डर बना। बॉक्स बॉर्डर मतलब ये नहीं ऐसा मैंने ड्रॉ किया ऐसा प्रॉपर बॉक्स हो, हर साइड में 2 सेंटीमीटर गैप रहेगा। कलर का सैंपल बताया कैसे आप कलर करो।